नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। हम डायरेक्ट वोकैब पर आते हैं, जो पहली वोकैब है इंडिजेंट, INDI। तो हम इसको इंडिया पढ़ लेते हैं, INDI। यदि ए लगा दे तो इंडिया वैसे भी पढ़ेंगे, तो हम इसको पहले ही इंडिया पढ़ लेते हैं। इंडिया जेंट को हम एजेंट पढ़ लेते हैं। तो इंडिया की जो एजेंट है, इंडिया की जो एजेंट है बहुत ही गरीब है। तो इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिरिकल। हाँ, ये वर्ड तो हमें वैसे भी याद होता है, हम वैसे भी यूज में आता रहता है। मिरिकल का मतलब चमत्कार होता है। हम किसको याद कैसे करें, तो मिरिकल को जो पहला जो स्टार्टिंग में है MIRA, तो हम इसको मीरा पढ़ लेते हैं। मीरा कल से। तो हम कह सकते हैं कि मीरा कल से चमत्कार कर रही है। मीरा कल से चमत्कार कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है रिप्राइजल। तो रिप्राइजल में आप देखिए दोस्तों, री का मतलब क्या होता है, दोबारा। रिप्राइजल का मतलब होता है बदला लेना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो री है री का मतलब दोबारा, प्राइजल को हम प्राइज पढ़ लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोबारा प्राइज लेने वालों से बदला लिया जाएगा। तो रिप्राइजल का मतलब होता है बदला लेना। नेक्स्ट वर्ड है एजनाइन। तो एजनाइन देखो दोस्तों, ASININE, एजनाइन। तो हम क्या कर सकते हैं कि ASS लगा सकते हैं। एज का मतलब गधा और नाइन का मतलब नो होता है, हम जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक गधा ही मूर्ख होता है, यहाँ तो नो गधे हैं। तो एजनाइन का मतलब क्या होता, मूर्ख। तो नेक्स्ट वर्ड है मेम, MAIM। तो मेम को हम मैम पढ़ लेते हैं, मैम। तो मेम का मतलब क्या होता है कि अपंग बनाना। तो हम कह सकते हैं कि मेम, आपकी मेम ने आपको इतना मारा कि आप अपंग हो गए, मेम। तो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कैंडिड। तो कैंडिड में जो CANDI है, तो हम जानते हैं कैंडी टॉफी होती है। कैंडिड का मतलब क्या होता है, सच्चा या होनेस्ट, ईमानदार को हम कैंडिड बोलते हैं। तो हम कैसे याद करें कि जो कैंडी खाने वाले बच्चे होते हैं, जो कैंडी खाते हैं, वे बड़े सच्चे और ईमानदार होते हैं। तो कैंडिड का मतलब होता है सच्चा और ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड है नॉन चलांत। तो देखो दोस्तों, नॉन नान। तो नॉन को हम क्या कर सकते हैं, नॉन या नान को हम नाना पढ़ लेते हैं। चलान CHLAN T को भूल जाएं, हम इसको चलान पढ़ लेते हैं। तो हम नॉन चलान का मतलब क्या होता है, लापरवाह। तो हम कह सकते हैं नॉन नाना का चलान, जो नाना का चलान या नाना का चलान, तो नाना जी का चलान लापरवाही की वजह से कट गया। तो लापरवाही का मतलब क्या होता है, नॉन चलान का मतलब होता है लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड है फिस्टर, FESTER। तो फिस्टर का मतलब क्या होता है कि स्थिति का और ज़्यादा ख़राब हो जाना। तो हम इसको कैसे याद करें, फिस्टर को हम फास्टर याद कर लेते हैं, फास्टर। तो फास्टर जो बॉलर होता है, उसके आने से बल्लेबाजों की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई। नेक्स्ट वर्ड है सर्क्यूटियस। देखो, सर्क्यूटियस का मतलब होता है घुमावदार। तो हमने एक पिछली वीडियो में देखा भी था कि डेवी से, तो डेवी से का मतलब भी घुमावदार होता है, सर्क्यूटियस का मतलब भी घुमावदार होता है। लेकिन हम याद कैसे करें इस वर्ड को, जो स्टार्टिंग में CIRC है, तो इसको लास्ट में ऐसे लगा दे तो हम इसको सर्कस पढ़ सकते हैं। तो सर्कस तो क्या होता है, सर्कस में जो मौत का कुआ होता है वो घुमावदार होता है, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिप्लेट। रिप्लेट का मतलब होता है भरा हुआ। तो रिप्लेट, तो री का मतलब दोबारा, प्लेट का मतलब हम जानते हैं प्लेट। तो हम कह सकते हैं कि दोबारा प्लेट में नमकीन को भर दिया गया, या ऐसे दोबारा नमकीन इसमें डालो, दोबारा नमकीन से इसको भर दो। हम ऐसे इसके कैसे करके हम इसको याद कर सकते हैं कि दोबारा प्लेट को नमकीन से पूरी तरह से भर दिया गया। तो परिपूर्ण या भरा हुआ इसका वर्ड होता है रिप्लेट का मतलब। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इंडिजेंट, इंडिया की जो एजेंट है काफ़ी गरीब है। नेक्स्ट वर्ड मिरिकल, मिरिकल मतलब चमत्कार, मीरा कल से चमत्कार कर रही है। नेक्स्ट वर्ड था रिप्राइजल। तो रिप्राइजल का मतलब होता बदला लेना। दोबारा प्राइज लोगे तो तुमसे बदला लिया जाएगा, हम ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। एज नाइन, ASS, एज मैंने गधा, नाइन का मतलब नो, एज नाइन का मतलब होता मूर्ख, यहाँ तो एक ही गधा मूर्ख होता है,
एक ही गधा मूर्ख होता है, यहाँ तो नो नो गधे, हम ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। मेम, मेम का मतलब क्या था? अपंग बनाना, मेम। तो मेम ने आपको इतना, आपकी मेम ने आपको इतना मारा कि आप अपंग हो गए, ऐसे करके। कैंडिड, कैंडिड, कैंडिड खाने वाले क्या होते हैं? सच्चे होते हैं, ऑनिस्ट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड था नॉनचलान, नॉनचलान, नाना का चलान, नॉनचलान का मतलब लापरवाह। नाना का चलान उसकी, उनकी लापरवाही की वजह से कट गया, हम इसके ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड था फिस्टर, फिस्टर स्थिति का और ज़्यादा ख़राब हो जाना, इसको हम फास्टर से याद किया था कि फास्टर जो बॉलर होते हैं उनके आने से बल्लेबाज की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई। नेक्स्ट वर्ड था सर्क्यूटियस, सर्क्यूटियस को हम सर्कस से याद करते हैं, सर्कस में जो मौत का कुआ होता है वो घुमावदार होता है, या हम डेवियस भी एक वर्ड था इसके लिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद आता है रीप्लेट, रीप्लेट का मतलब होता है भरा हुआ, क्या आप प्लेट में नमकीन, हम ऐसे कर सकते हैं कि दोबारा प्लेट को नमकीन से पूरी तरह से भर दिया गया, भर दिया गया, भर दिया का मतलब होता है रीप्लेट, कि प्लेट में दोबारा भर दिया गया नमकीन को, ऐसे भी करके हम इसको याद कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यदि आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।